ये हमारे आर डी पटेल साहब की स्वागत है और इस बिहार में आए हुए मीटिंग देने के लिए। देखिए किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं ये लोग, बहुत खुशी से इसकी सुन सकते हैं आप स्वागतनामा। ये डीएक्शन का सम्मान है, ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लीडर लोग हैं जो कि देखिए सम्मान कर रहे हैं। और ये क्या करते थे, पहले चाय बेचते थे, कच्ची चाय बेचते थे लोकल वाले, मगर एक बनता जब इनके चाय पीने के लिए गए दुकान पे तो अपनी कॉफ़ी दिया बनाने के लिए, सिर्फ गर्म पानी इनसे मांगा, इसने खुशी खुशी दिया और 3 कप बनाए पाउच कॉफ़ी में, तो 2 कप तो इन लोगों के लिए, 1 कप रह गया। तो कह रहे सर ये क्या करें, अगर आप पी जाओ। जब उसने पिया तो कह रहा यार आज तक मैंने ऐसी टेस्टी 3-in-1 कॉफ़ी कभी नहीं पिया था, इतना अच्छा इसको लगा। उस कॉफ़ी के जरिए से फिर आप वो पीने लग गए, वहीं से बेचने लग गए, आप फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देंगे। बहुत इसका शुरुआत इतिहास बहुत खतरनाक है, किस किस तरीके से बेचारे बॉम्बे पहुंचे थे, बॉम्बे पहुंच के काम करने गए और कितनी कितनी मुसीबतें झेला इसने, मगर पीछे नहीं हटा बंदा, करता रहा। आज यही ना, जो मेहनत करता रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो 10 प्लेटफार्म पे भागेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। 1 प्लेटफार्म पे रहिए, 1 ट्रेन पे चढ़िए तो आप ज़रूर बिहार से बॉम्बे पहुंच सकते हैं। अगर आपने बदल बदल दिया ट्रेन, कभी उत्तर कभी दक्षिण, बस आप घूमते रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमेशा 1 प्लेटफार्म पर रहिए, चाहे कितने भी कंपनियाँ आ जाए, ऑफर दिखाएँ, सस्ता सामान बताएँ, बस चंद दिनों की होती है, कुछ सामान होती है जो आम मार्केट में मिल जाती है बहुत कम रेट में, मगर उसी को डायरेक्ट सेलिंग वाले बेचते थोड़ा ज़्यादा दाम में, मगर एक बार तो आपसे ले लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे। क्यों दूसरी बार इसलिए नहीं लेंगे कि हमें उससे कम रेट में वही सामान मिल रहा है बाहर, ठीक है। तो थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।